ये खा लो तो कोरोना नहीं होगा, वो खा लो तो कोरोना नहीं होगा, आखिर इंसान खाए तो खाए क्या। कोरोना ने हमारी डाइट में जितने वेरिएशन लाए हैं ना, उतने तो मम्मी ने कभी लंच बॉक्स में भी हमें नहीं दिए थे। लेकिन डाइट में इन चीज़ों का आना जाना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। इसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो कोई जादुई गोली तो है नहीं कि अंदर डाली और परेशानी ठीक हो गई। इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो खा रहे हैं इसका सीधा सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 2000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर पर एक स्टडी हुई है, जिसमें पता चला है कि सब्जी, फल और सी फूड खाने वाले लोगों को नॉनवेज खाने वालों के मुकाबले कोरोना होने का खतरा कम है। वेजिटेरियन को गंभीर कोरोना संक्रमण का खतरा 73% कम होता है। ऐसे ही सी फूड खाने वाले को 59% खतरा कम होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इम्यून सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ डाइट का फर्क पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस से लेकर नींद तक बहुत सी चीजें इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। सबके अपने अपने रोल हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी नाटक में अलग अलग कलाकार के होते हैं। तो आखिर डाइट नाम के इस स्टेज पर हमें कौन कौन से कलाकार चाहिए? हमें अपनी डाइट में मैक्रो से लेकर माइक्रो तक सारे न्यूट्रिएंट शामिल करने हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन और मिनरल। अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ रही है तो आसान भाषा में समझ लीजिए। आपको अपनी डाइट में फल, सब्जी, फलियां जैसे दाल, छोले, बीन्स, होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, ज्वार और एनिमल सोर्स फूड में मिली हुई डाइट शामिल करनी है। ये तो जान लिया कि खाना क्या है, अब ये जान लीजिए कि आपको इन चीज़ों में क्या नहीं खाना है। चीनी से दूरी सबसे ज़रूरी। दिन भर में 6 चम्मच चीनी हेल्थ के लिए काफ़ी होती है, लेकिन इसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से लेकर हलवे वाली चीनी भी शामिल है। और नमक से स्वाद अनुसार होने पर थोड़ी लगाम लगाइए और इसकी क्वांटिटी अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच कर दीजिए। जाते जाते एक टिप ले लीजिए और अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल कर लीजिए। ये आपको चिया और अलसी में मिल जाएगा। नॉनवेज के शौकीन हैं तो मछलियाँ भी ओमेगा 3 से भरपूर होती है। तो अच्छा खाइए, ढेर सारा पानी पीजिए और रोज एक वॉक पर जाइए। सादा जीवन, उच्च विचार अपनाइए। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।